आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीकॉम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे बीकॉम क्या होता है, व्हाट इज बीकॉम, बीकॉम कोर्स डिटेल्स इन हिंदी। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि बीकॉम क्या है, बीकॉम कौन कर सकता है, बीकॉम की फीस कितनी होती है और अगर आप बीकॉम का कोर्स कर लेते हो तो उसके बाद आप कौन कौन से जॉब कर सकते हो। दोस्तों ये 12th बाद के कोर्सेज होते हैं तो सभी स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो 12th पास करेंगे तो उन्हें पता होने चाहिए उनके बाद क्या क्या ऑप्शन है 12th के बाद पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरेना यूट्यूब चैनल। तो चले अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स, दोस्तों ये 3 साल का कोर्स होता है जो कि एक डिग्री कोर्स है। अगर आप कॉमर्स लेके 3 साल का पढ़ाई कर लेते हो तो उसके बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको कॉमर्स ग्रेजुएट बोला जाएगा। दोस्तों कॉमर्स से पढ़ाई करने के बहुत सारे फायदे हैं, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कॉमर्स से अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो उसके बाद आप कौन कौन सी जॉब कर सकते हो, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको आगे क्या करना है अपने फ्यूचर में। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अब हम जान लेते हैं कि बीकॉम का कोर्स कौन कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपको बीकॉम करना है तो ये ज़रूरी है कि आपने अपनी 12th क्लास तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, क्योंकि 12th पास करने के बाद ही आपको ग्रेजुएशन करना होता है और उसके बाद आप अगर चाहो तो बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम जनरली वही स्टूडेंट करते हैं जिन्होंने क्लास 11th क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई की है, या फिर अगर आपने क्लास 11th क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम से भी पढ़ाई की है तब भी आप बीकॉम कर सकते हो। आप में से बहुत सारे दोस्तों के मन में ये डाउट होता है कि बीकॉम में एडमिशन कैसे लिया जा सकता है। तो देखो सबसे पहली बात तो जरूरी है कि आपका 12th पास होना जरूरी है। अब उसके बाद बारी आती है कि कितने परसेंटेज होने चाहिए अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको परसेंटेज की बात बताऊँ तो मिनिमम 45% तो आपके होने ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा उनका रूल होता है कि जिसका 45% है या फिर उससे ज़्यादा है उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, लेकिन सारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं हमारे देश में जिसमें आपको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, यानी कि अगर आप 12th क्लास सिर्फ पास भी हो तब भी आप बीकॉम का कोर्स कर सकते हो। और एक और चीज़ जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी मैं आपको बता रहा हूँ, 12th पास करने के 3 साल के अंदर तक आप बीकॉम का कोर्स कर सकते हो। यानी कि आपने 12th मान लो कि 2020 में पास किया तो आपने 2021 में एडमिशन नहीं लिया, 2022 में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन आपको दोस्तों 2023 में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप 2023 में भी एडमिशन नहीं लोगे तो आपका 3 साल का गैप हो जाएगा और उसके बाद 3 साल के गैप होने की वजह से उसके बाद आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, किसी भी कोर्स में नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि 3 साल से ज़्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब हम लोग जल्दी से जान लेते हैं कि बीकॉम कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, अगर किसी को बीकॉम का कोर्स करना है तो उसे कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी। देखो भाइयों जो भी कोर्स होता है उसकी फ़ीस कई बातों पे डिपेंड करती है। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज किस जगह पे है, क्या आपका कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है, आपका कॉलेज गाँव में है, शहर में है, मेट्रो सिटी में है, ये सारी बातों से फ़ीस डिपेंड करती है। फिर भी मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, मान लो कि आपका कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है और वो एक मतलब ठीक ठाक जगह पे है, शहर में है, बहुत बड़े मेट्रो सिटी में नहीं है, तो जो आपकी बीकॉम की फ़ीस होगी ना वो मान लो कि 8 से 10 हज़ार रुपये 1 साल की होगी। जो कि बीकॉम कोर्स 3 साल का होता है तो 1 साल की जो फ़ीस होगी वो 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार अप्रॉक्स होगी। ये मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की बात बताई। और अगर आपका कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है तो जो बीकॉम की फ़ीस होगी वो दोस्तों 20 से 25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि कहाँ पे है, किस शहर में, ये सारी बातें डिपेंड करती है। ये जो फ़ीस है ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक अप्रॉक्स बता दिया है, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बीकॉम का कोर्स कर लिए हैं तो आप क्या क्या जॉब कर सकते हैं। देखो दोस्तों बीकॉम का कोर्स करने के बाद आप सब तरीके की जॉब कर सकते हो, जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं लगभग सारे जॉब आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो बैंकिंग में जा सकते हो, अगर आप चाहो तो रेलवे में जा सकते हो, अगर आपका मन है टीचिंग लाइन में जाने का तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, आप चाहो तो SSC के थ्रू जॉब कर सकते हो, यानी कि आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं। आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो। दोस्तों अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है।
तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, ये वीडियो थी बीकॉम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट करके कहना चाहते पूछना चाहते हो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। और चैनल पर जाइए, बहुत सारी वीडियोज़ है वो देखिए, आपके काम की बहुत सारी वीडियोज़ है। और उसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।